नमस्कार दोस्तों, आरडी टोन मेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आया है यामाहा i400 कीबोर्ड का दिल में हो तुम आरपीजीओ के साथ स्ट्रिंग स्टोन कैसे लेयर करते हैं। दोस्तों आइए आज हम सिखाते हैं। तो सैक्सोफोन टोन के साथ मैं ऑलरेडी टोन अपलोड किया हुआ है, अभी हम स्ट्रिंग्स टोन के साथ आरपीजीओ टोन, बंगाली सॉन्ग चिरदिनी तुम्हें जामार, हिंदी सॉन्ग बापी लहरी जी का दिल में हो तुम, वही टोन मैं आप लोगों के लिए आज शेयर कर रहा हूँ, वो भी PSR i400 यामाहा कीबोर्ड पर। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार टोन सुन लेते हैं। बहुत अच्छा आरपीजीओ टोन मिल जाएगा आपको यामाहा PSR i400 कीबोर्ड पर। तो इस टोन को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, वॉइस बटन को प्रेस कीजिए और स्ट्रिंग्स 1473 नंबर लाइए। उसके बाद फंक्शन बटन को प्रेस कीजिए और जहाँ पर ट्रांसपोज लिखा आएगा उधर से हम शुरू करेंगे। तो ट्रांसपोज से शुरू करते हैं, ट्रांसपोज 00, फिर कैटेगरी प्लस बटन से आगे बढ़ेंगे प्रेस करते करते। ओके, इस बटन को ध्यान में रखिएगा, इस बटन को प्रेस करते करते आगे बढ़ेंगे और टोन को मिलाएंगे। तो कैटेगरी प्लस प्रेस कीजिए, ट्यूनिंग 440 कैटेगरी प्लस, पीवी रेंज 02 कैटेगरी प्लस, स्प्लिट पॉइंट 060 कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाइए लेवल। फिर कैटेगरी प्लस, टच रेंज मैंने सॉफ्ट रखा है, आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इधर देखिए मीडियम, हार्ड और फिक्स्ड यानी ऑफ। ऑफ करने से आपका कीबोर्ड का टच जो है, कीबोर्ड का टच कट जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हमको थोड़ा सा टच चाहिए इसलिए हम सॉफ्ट रखते हैं। फिर कैटेगरी प्लस, एम वॉल्यूम 127 ऐसे आपको लेवल मिलाना है। कैटेगरी प्लस, एम ऑक्टेव प्लस 1 ऐसे 0 ऐसे प्लस 1। कैटेगरी प्लस, एम पैन सी कैटेगरी प्लस, एम डिवाप 095 कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे 095। फिर कैटेगरी प्लस, एम क्रॉस 000 कैटेगरी प्लस, एम अटैक 064 कैटेगरी प्लस, एम रिलीज 090 ऐसे मिलाएंगे। फिर कैटेगरी प्लस, एम कट ऑफ 080 ऐसे मिलाएंगे। कैटेगरी प्लस, एम रेजो 065। फिर कैटेगरी प्लस, डी वॉइस डुअल वॉइस वही टोन रख दीजिए, स्ट्रिंग्स 1473। फिर आगे बढ़ेंगे कैटेगरी प्लस बटन प्रेस करके, डी वॉल्यूम 091 कर दीजिए। कैटेगरी प्लस, डी ऑक्टिव 0 कैटेगरी प्लस, डी पैन सी कैटेगरी प्लस, डी रिवर्ब 094 कैटेगरी प्लस, टी कोरस 000 कैटेगरी प्लस, डी अटैक 064। फिर कैटेगरी प्लस बटन प्रेस, डी रिलीज 091। फिर कैटेगरी प्लस, टी कट ऑफ 065 कैटेगरी प्लस, डी रेजो 063। फिर कैटेगरी प्लस, एज वॉइस स्पीड वॉइस
आप रख दीजिए 045 नंबर, DX मॉडर्न जो टोन है उस टोन को लाइए। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कैटेगरी प्लस बटन प्रेस करते करते, कैटेगरी प्लस एज वॉल्यूम 095 ऐसे मिलाना है, कैटेगरी प्लस एज ऑक्टेव 0 रहेगा ऐसे +1 कर दीजिए, फिर कैटेगरी प्लस एज पैन सी, कैटेगरी प्लस एज रिवर्ब 081, कैटेगरी प्लस एज कोरस 089, फिर कैटेगरी प्लस रिवर्ब पे आ जाइए, रिवर्ब 01 हॉल 1 नंबर रख दीजिए, इसको घुमा के फिर कैटेगरी प्लस कोरस पे आ जाइए, कोरस रख दीजिए कोरस 1, फिर कैटेगरी प्लस मास्टर इक्वलाइजर आप नंबर 4 पे रख दीजिए, कैसे मिलाएंगे देख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे मिलाइए, फिर कैटेगरी प्लस वाइट मैंने ऑफ रखा है, फिर कैटेगरी प्लस हारमोनी टाइप मैंने यूज़ नहीं किया, मैं RPG यूज़ किया, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैटेगरी प्लस बटन प्रेस कीजिए और हारमोनी वॉल्यूम जो है 100 रख दीजिए, हारमोनी वॉल्यूम 100 रख दीजिए, ऐसे आप 100 मिलाइए, फिर कैटेगरी प्लस बटन प्रेस करके RPGO टाइप अप डाउन ऑक्टेव रख दीजिए, RPGO टाइप जब आएगा 003 नंबर अप डाउन ऑक्टेव आप रख दीजिए, और फिर कैटेगरी प्लस बटन प्रेस कीजिए, RPGO जो वैल्यू है वो आप की कर दीजिए, की नंबर 2, फिर आगे बढ़ेंगे कैटेगरी प्लस बटन प्रेस करते कंटेनेंस जो है 3 नंबर 16 नंबर रख दीजिए, यही अंदर का सेटिंग्स है, जब दोस्तों अंदर का सेटिंग्स आपको हो जाएगा तो जब अंदर का सेटिंग्स आपको हो जाएगा फिर ट्रांसफर पे आ गया हम, अंदर में और कुछ ऑप्शन नहीं है, ऊपर में थोड़ा सा आपको मिलाना है नहीं तो आपका टोन का फ्लेवर नहीं आएगा। क्या क्या मिलाना है दोस्तों, इधर डिस्प्ले पर देखिए स्लिट ड्यूल और RPGO, ये तीनों बटन मेरा ऑन है, तो ये तीनों बटन हम कहाँ से ऑन करेंगे, इधर देखिए दोस्तों स्प्लिट ड्यूल और RPGO 1 2 3, ये तीनों बटन को दोस्तों प्रेस करके आपको ऑन रखना है, स्प्लिट ड्यूल RPGO, स्प्लिट ड्यूल RPGO, जब दोस्तों ये तीनों बटन आपको आपका ऑन हो जाएगा तब लेफ्ट साइड पर देखिए दोस्तों इधर टेम्पो लिखा हुआ एक बटन है, उस बटन को एक बार ऐसे प्रेस कीजिए, जब एक बार पेश करेंगे दोस्तों टेम्पो आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपका टोन का RPGO का जो फ्लेवर है नहीं आएगा, 150 रख दीजिए ऐसा फ्लेवर आएगा। ये देखिए मैं टेम्पो घटा रहा हूँ, ये टेम्पो घट रहा है, आपको 150 रखना है, ये देखिए बहुत अच्छा टेम्पो एकदम परफेक्ट ही आ जाएगा, टेम्पो आप मिला लीजिए 150, जब टेम्पो आपको मिल जाएगा दोस्तों तब आपका फ्लेवर ऐसा आएगा दोस्तों, ऐसा सुन लीजिए, ऐसा फ्लेवर आएगा, तब आपका टोन जब बन जाएगा दोस्तों तब आपको क्या करना है कैसे सेव करेंगे दोस्तों, मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ फिर भी देख लीजिए, इधर रजिस्ट्रेशन में बैंक लिखा हुआ एक बटन है उसको एक बार ऐसे प्रेस कीजिए, और 1 से 8 तक बैंक है, पार बैंक पर आपको 4 करके टोन सेविंग रख सकते हैं, 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6, पहले ऐसे इसको घुमा के अपना हिसाब से आप बैंक नंबर चॉइस कीजिए, और बैंक नंबर जब चॉइस करेंगे तो कौन सी नंबर पे आप ये टोन सेव करेंगे, जैसे मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं 6 नंबर बैंक का 2 नंबर में ये टोन सेव करूँगा, तो बैंक बटन को ऐसे होल्ड किया और 2 नंबर दबा दिया, 6 नंबर बैंक का नंबर 2 पर मैं ये टोन सेविंग कर रहा हूँ, मेरा टोन सेव हो गया, कहाँ पे 6 नंबर बैंक का 2 नंबर, 6 नंबर का 2 नंबर, ये देखिए दोस्तों
ऐसे आप भी श्री अली अपना मर्जी से आप बैंकिंग सजा लीजिए। दिल में हो तुम सॉन्ग का पार्टिकुलर सैक्सोफोन के साथ, स्टिंग के साथ, उसके बाद गिटार, उसके बाद हारमोनिका, श्री अली सजा लीजिए। आपका सेम टू सेम फ्लेवर आएगा दिल में तुम सॉन्ग का गाने का पैच। ओके दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।